आज हम जो सब्जी बनाएंगे वो हर घर में बनती है। जब कोई सब्जी समझ ना आए तो ये सब्जी हम झटपट से बना के तैयार कर लेते हैं और बहुत ही सिंपल और टेस्टी बन के तैयार होती है। बड़ों के साथ साथ ये बच्चों की भी फेवरेट होती है, हर बच्चा इसे खाना पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू जीरा की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरप्रीत कौर, वेलकम टू गुरप्रीत कौर किचन। तो शुरू करते हैं सब्जी कैसे बननी है। यहाँ देखिए, मैंने 5 से 6 आलू लिए हैं। आलुओं को मैंने उबाल लिया है गर्म पानी में और यहाँ पे आलू उबल चुके हैं। देखिए, उसे हमें अब छीलना होगा। इस तरीके से छिलके उतार लें और आलू को छील के अलग रख लेना है। तो यहाँ पे दूसरा आलू भी मैंने ले लिया है, इसको भी हमने छील कर तैयार करके रख लेना है। उबाल के आलू बनाने से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और यहाँ हमने सारे आलू उबाल लिए हैं और इसे अब काटने की तैयारी है। ये देखिए, इस तरीके से आप मीडियम साइज़ के आलू हैं तो इसको बीच में से कट लगा के तो इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से हर आलू को बीच में से काट के, आप इसको लंबाई में भी काट सकते हैं अगर आपका मन है तो इस तरीके से काटें। और इस तरीके से भी मैंने सारे काट के तैयार कर लिए हैं। देखिए, आप भी इस तरीके से काट कर तैयार कर लें आलुओं को। और यहाँ मैंने गैस पे फ्राई पैन रखा है, एक कड़छी मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, तेल गर्म हो जाए। जीरा आलू बन रहे हैं तो भाई जीरा भी खुले दिल से डालना होगा, तो यहाँ मैंने 1 चम्मच भर के जीरा डाला है। जीरा भुन चुका है, इसके साथ ही हमने थोड़ा सा यहाँ पे मेथी दाना डाला है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हींग डाली है 2 पिंच के करीब। मिक्स कर लें सबको अच्छे से और इसके साथ ही हमने यहाँ पे जो आलू काट के रखे हैं वो डाल देने हैं छोटे छोटे पीस में। तो सारे आलू हमने इसमें डाल देने हैं ताकि इनकी जो कोटिंग है जीरे के साथ और मेथी के साथ अच्छे से हो जाए। तो इसको अच्छे से हमें मिला लेना है, आलू में जीरा मेथी सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब कभी आप पूरी बनाते हो तो पूरी के साथ ये सब्जी ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छी लगती है पूरियों के साथ। और सिंपल रोटी हो गरम गरम तो उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ हमारे आलू थोड़े से भून चुके हैं और यहाँ देखिए मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं, वो डाल दें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें, तो हरी मिर्च का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मसाले डालेंगे इसमें अब हम, तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून हल्दी, हल्दी ज़्यादा ना डालें। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें मसालों को आलू के साथ। आँच यहाँ पे धीमी ही रखनी है, अच्छे से मिक्स करके इसको भून लें। और यहाँ हमारा मसाला मिक्स हो गया है। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है थोड़ा खट्टेपन के लिए, और इसके स्वाद को डबल करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है जो इसका टेस्ट और भी बढ़ा देगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें आलूओं में। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है सब्जी का। जीरा आलू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा और अभी यहाँ पे हम इसकी गार्निश करेंगे, वो भी धनिए से। धनिया पत्ती काट के जो फ्रेश होती है उसको काट के डाल दें फ्रेंड्स। और यहाँ हमारे जीरा आलू बनके तैयार हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।